तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सी व्यू। तो ये देखें गार्डन कैसा लग रहा है। अरे अच्छा चीज वाले अंकल है, काफी आवाम आई हुई है, बहुत ज्यादा लोग हैं। देखते हैं आगे जाके। तो बबल। हाँ बबल और पूछ पूछ नहीं है बैठते दो मुंह वाले ऐसा नहीं, क्या करो यार, छह छह महीने बाद मुंह खुल गए। छह नहीं है, एक ही मुंह होता है, मैंने वीडियो देखी है। इसका नाम जो दो मुंह वाला है, इसका जख्म कैसे हुआ ये बताओ। ऐसे याद करो तेरे को वीडियो बनाने है। आखिरी दिन है मेरा आज। नहीं यार कुछ नहीं करता ये, तेरे को कुछ नहीं करेगा। भाई के हाथ में ये सांप बांध दिया उन्होंने, देखे नहीं 200। तो अभी हम गाड़ी बुक करवा रहे हैं, देखते हैं, जाते हैं सैर करते हैं इधर से। आओ आपके जैसा
हमारे को सोच जरा लड़का 5 किलो दूध पी के बॉडी बनाए वाह भाई वाह सुंदर है बांदर बेक मानो साइड पे मानो अपनी गद्दी बस छोड़ो तो भी अब मनाली कर रही है घुड़सवारी ये देखें अभी हम पानी की तरफ जा रहे हैं अंदर तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं पानी की तरफ और वहाँ एंजॉय करेंगे और आप भी साथ रहें कैसे हम एंजॉय करते हैं जूता मुझे उतार के दो और ये देखे मानो जा रही है पर रेत के अंदर और रेत में देखे हमारे पांव कैसे अंदर जा रहे हैं ऐसे स्पंजी सी रेत हुई हुई है और काफी मजा आ रहा है और बहुत ही अरसे बाद हम जो है वो सी व्यू पे आए हैं सी व्यू का बहुत ही मजा आ रहा है हमें हाँ
पानी के अंदर आ चुके हैं और पानी कितना ही मज़े का लग रहा है। फुल एंजॉय करने के मूड में हैं हम और पानी इधर को आ रहा है। मानो ज़्यादा गहराई में नहीं जाना बच्चे, और समंदर की लहरें देखें कैसे इस साइड पे आ रही हैं। बस इधर ही रहो, ज़्यादा गहराई में। तो समंदर की खूबसूरती को आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत लग रही है, और हमें यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा है। पानी में फिर के हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, और पाँव के नीचे से जब रेत निकलती है तो ऐसे लगता है जैसे ज़मीन निकल रही है। पानी जो है अपनी तरफ ऐसे, यानी जब बैक होता है ना पानी, तो एकदम से रेत पैरों से निकलती है और पाँव में गुदगुदी सी फील होती है। और कितना ही खूबसूरत मंजर है, मानो कितना ही ज़्यादा खुश हो रही है। देखिए लहरें आ रही हैं जा रही हैं, तो मानो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। मानो को एंजॉय करते हुए आप देखें। कराची जब भी आए तो समंदर पर लाजमी आएगा, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, इंजॉयमेंट मिलेगी। हवा भी काफ़ी तेज़ होगी लेकिन इंजॉय आप काफ़ी करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। तो पीछे से समंदर की लहरें भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत समंदर हमारी तरफ आ रहा है, और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं और बड़े भी उतना ही इंजॉय कर रहे हैं। घोड़े को देखें आपने, कितने ही मज़े की उसकी चुटिया भी की हुई है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो हमारे ब्लॉगर भाई जो है अभी इनके ऊपर वो सवारी करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हम लोगों को क्या मिला, बंद शेल मिला। अब हम इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। हाँ खोले मम्मा भी आप, नहीं खोलता तोड़ो जो है वो तो मुझे, फिर उसको बेच के हम लोग क्या खाएंगे। वो सकते कोई करोड़ों की चीज अंदर छुपा के किसी ने समंदर में फेंक दिया ये घर जाके खोलना पड़ेगा शायद। हाँ थोड़ा मारेंगे खुल जाएगा, क्योंकि ये हमारे नाखून वगैरह से नहीं खुल रहा। ओके चलो, मानो इधर से भाग भाग क्यों तोड़ दिया। इसके अंदर से क्या निकला, करोड़ों की चीज। इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला, कीड़ा निकला। गंद निकला नहीं करनी यहाँ। मानो कह रही है कि मैं पूरी गीली हो जाऊँ, लेकिन यहाँ गीला नहीं होना, क्योंकि जो है फिर ये रेत जो है कपड़ों से नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ फुल रेत है। ये अच्छा, नहीं गीला नहीं होना, बस पाँव में इसी तरह खेल लो थोड़ा सा। और ये देखें इसके बाबा आ रहे हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए सामने से। इनके बाबा ने राइडिंग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं।
अभी वो भी इंजॉय कर रहे हैं। हाँ देखिए अभी पाँव वाश हो रही है और ताकि रेत उतर जाए। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम वापस जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है, लेकिन अभी हमारे जाने का टाइम आ चुका है और अभी हम जाते हैं घर वापस। तो अपने व्लॉग का यही बैन करती हूँ, जिंदगी रही तो सुबह एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। तो मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।